वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये केमिस्ट्री वीक आईआईटी जैम सीएसएनएट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये पाइरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन में हम लोग बेसिकली दो टाइप का एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे। वन इज जैंथेट टाइप ऑफ सीन एलिमिनेशन एंड सेकेंड इज सेलेनोक्साइड बेस्ड पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जैंथेट बेस। सो बेसिकली जैंथेट बेस पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन। जैंथेट बेस पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन में क्या होता है बेसिकली देखो, कोई अगर ऐसा ग्रुप रहेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा ग्रुप है, अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है सी डबल वन एस एस आर, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जैंथेट। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस जैंथेट ग्रुप, ठीक है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। ठीक है, तो बीटा में जो हाइड्रोजन रहता है उसको क्या करते हैं, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे करके ये जो जैंथेट ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल है। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज देखना है, पायरोलाइटिक का तो मीनिंग हम लोग को पता है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग पायरोलाइटिक बोलते हैं। अभी सीन, सो सीन दैट मींस सेम साइड से, सीन मींस सेम साइड से। देखो ये जो बॉन्डिंग का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्लेन में है एंड ये हाइड्रोजन भी देखो सेम प्लेन में है एंड सेम साइड से ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अगर इधर रहेगा तो यहाँ से, ऐसे नहीं, इसको रोटेट करके हम लोग को सेम प्लेन में लाना है। उसके बाद ये देखो अल्फा बीटा, सो एक्चुअली दिस इज द बीटा टाइप काइंड ऑफ एलिमिनेशन, बट हम लोग यहाँ पे जो जैंथेट ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस जैंथेट ग्रुप, हम लोग इसको बोलते हैं पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे जस्ट डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज द वन कार्बन टू कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वन टू। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सेकेंड जो जैंथेट टाइप एलिमिनेशन, अभी जो सेकेंड टाइप है दैट इज द सेलेनोक्साइड, सेलेनोक्साइड बेस्ड एलिमिनेशन, सेलेनोक्साइड टाइप। ये सेलेनोक्साइड बेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है बेसिकली देखो, जो कार्बन रहता है सेम ऐसे रहेगा ओ माइनस प्लस आर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेनोक्साइड बेस। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा सीन टाइप से। ना यहाँ पे और एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो कितना मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग्स ट्रांजिशन स्टेट से ये जाता है रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डबल बॉन्ड जॉइंट होता है प्रोडक्ट में। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये ऑलवेज हीटिंग कंडीशन में होता है, हीटिंग कंडीशन में। ठीक है, ओके, बिकॉज द पायरोलाइटिक जो भी रिएक्शन होगा वो सब हीटिंग कंडीशन में, हायर टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे कितना मेंबर इन ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होगा एंड यहाँ पे फाइव मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये प्रोडक्ट जेनरेट होगा। ओके, सो दैट इज द बेसिक सेटअप। ठीक है, यहाँ पे कैरोसन में है ना, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, एग्जाम में डायरेक्ट ये कंपाउंड नहीं देगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये कंपाउंड नहीं देगा, यहाँ पे कैसे करके देगा, एग्जाम में कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल देगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करके ड्रॉ करता हूँ, कार्बन, लेट्स से दिस इज योर हाइड्रोजन, ये जो है ना सब मिथाइल है, यहाँ पे लेट्स एज्यूम दिस इज द मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये सब मिथाइल है एंड यहाँ पे एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो रिएजेंट देता है बेसिकली सोडियम हाइड्राइड सी एच टू एंड देन यहाँ पे एम ई आई। ठीक है, ये रिएजेंट एग्जाम में सप्लाई करता है। इसका रोल क्या होता है, सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अभी जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो क्या करता है, ऐसे करके वो माइनस है कि यहाँ पे अटैक करता है कार्बन इलेक्ट्रिकली सेंटर में, सल्फर नेगेटिव होता है। अब ये सल्फर जो नेगेटिव होता है वो जाके डायरेक्ट एम ई आई में अटैक करता है। उसके बाद देखो यही प्रोडक्ट जेनरेट होगा, राइट, सो आर इज योर मिथाइल, क्लियर हो गया। तो ये ऐसे करके एग्जाम में आता है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। और एक टाइप का भी एलिमिनेशन होता है, दैट इज द कोप टाइप एलिमिनेशन। ठीक है, दैट इज द कोप टाइप एलिमिनेशन। कोप टाइप में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, जो एन ऑक्साइड होता है, एन ऑक्साइड वहां पे भी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, लाइक कुछ ऐसा ग्रुप रहेगा या फिर एन ऑक्साइड, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्रुप रहेगा जो ऐसे करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है,
इस तरह का जो एलिमिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफेक्ट एलिमिनेशन, जो एन ऑक्साइड है। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम में मूव करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो जो ग्रुप है ना, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, दिस इज द जैनथेट ग्रुप। क्लियर हो गया? दिस इज योर जैनथेट ग्रुप। तो अगर जैनथेट ग्रुप रहेगा हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, जैनथेट ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसका नेक्स्ट जो कार्बन है दैट इज अल्फा एंड दैट इज अ बीटा। तो यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है ना, अभी यहाँ पे हम लोग देखना है कौन सा प्रोटॉन लेगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये जो है ना, ये ऐसे करके इस हाइड्रोजन को लेगा क्योंकि ये सेम साइज से है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट जनरेट होगा, बाकी जो है वो सेम है। ठीक है, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर होगा? तो ये फर्स्ट एग्जांपल, ये बहुत ही सिंपल था। उसके बाद मैंने बताया जो को टाइप ऑफ एलिमिनेशन होता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दो एग्जांपल है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आया है एंड ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, हम लोग गलत करते हैं इस एग्जाम्पल में। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसका प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा। तो यहाँ पे और एक बात है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हम लोग ऐसे करके सोचना है, जब देखो जब कोई भी ऐसा ग्रुप जब ये हाइड्रोजन को लेता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, अगर ये अल्फा बीटा होगा तो दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है ना, ये हाइड्रोजन एक्सेसिबल होना है, दैट मींस हाइड्रोजन को ले सकता है, ऐसा हाइड्रोजन को ही वो लेगा, राइट? दैट मींस कोई भी ये जो ओ माइनस है ना, वो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है ना, राइट, इक्विटोरियल में, तो ये ओ माइनस इक्विटोरियल का जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज दिस इज योर अल्फा बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। बट ये जो ओ माइनस है ना, वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल, बहुत लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली देखो इस एग्जांपल की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीखना है इसको, एन प्लस एम ई टू ओ माइनस, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है ना फॉर दिस स्ट्रक्चर। सिमिलरली देखो ये ना ओ माइनस को हम लोग घुमा के ड्रॉ करेंगे, लेट्स से फॉर दिस स्ट्रक्चर को, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो दिस इज आइसो प्रोफाइल, सो सम अमाउंट ये ऐसे भी यहां से ले सकते हैं, राइट, दोनों पॉसिबिलिटी है, दैट मींस ये ओ माइनस यहां से भी प्रोटॉन ले सकते हैं, यहां से भी प्रोटॉन ले सकते हैं, बट फॉर दिस स्ट्रक्चर देखो बिकॉज इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना वो नियरली ऑपोजिट है, राइट, ऑपोजिट है, एज ए रिजल्ट ये ओ माइनस है ओनली इस प्रोटॉन को लेगा, ये ओ माइनस कभी भी इस प्रोटॉन को नहीं ले सकता है क्योंकि बहुत ही डिस्टेंस में एक्सेसिबल नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पाइरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन एज वेल एज फॉर योर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ बैक टू द मेन पॉइंट। यहां पे देखो क्या है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं फिर से, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, उसके बाद एन एम ई टू प्लस ओ माइनस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां से प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है, यहां से भी प्रोटॉन ले सकता है, यहां से भी प्रोटॉन ले सकता है, मैंने दिखाया, ठीक है, तो ये यहां से भी प्रोटॉन ले सकते हैं, यहां से भी प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ये पाथ को फॉलो करूंगा तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या, यहाँ पे डबल बनाएगा, यहाँ पे आइसो प्रोपाइल होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो हम लोग इसका ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट टू डी में, आइसोप्रोपाइल मिथाइल। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी योर दिस प्रोडक्ट, अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहां से कौन सा प्रोडक्ट जनरेट होगा, बेसिकली यहां पे डबल वन आएगा, दैट मींस मैं यहां पे डायरेक्ट कर देता हूं, यहां पे ऐसे करके आइसोप्रोपाइल में प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि देखो ये भी बीटा, ये भी बीटा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, राइट, एन ऑक्साइड ग्रुप। नाउ देखो ये जो डबल वन है ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, राइट, दिस डबल वन इज योर नहीं होता है हम लोग को, वो ये माइनर होता है, नियरली 35% होता है एंड ये मेजर होता है।
नाउ व्हाट इज द रीजन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिकेशन रिसर्च पेपर है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट के अगर हम लोग सही से देखेंगे इस बॉन्ड को, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सही से देखेंगे you have a n me2 plus o minus, right, and then the hydrogen. तो अगर हम इस बॉन्ड को सही से देखेंगे इस एंगल से, इस एक्सिस में अगर देखेंगे, तो यहां से हम लोग जो न्यूमैन पोजीशन ड्रॉ करेंगे ना, न्यूमैन पोजीशन क्या है, ये n me2 plus o minus, दिस इज द बॉन्ड, नीचे हाइड्रोजन है, सो दिस इज द फ्रंट कार्बन, राइट। बैक कार्बन हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, ऊपर है हाइड्रोजन, एंड देन यहाँ पे दिस बॉन्ड, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जब ये O- इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है वहां पे क्या होता है ना, यहाँ पे इंटरेक्शन जेनरेट होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन इसका प्रोडक्ट माइनर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल में दो मिथाइल, तो यहाँ पे CaCH का इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका ट्रांजिशन स्टेट, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट हाई अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका प्रोडक्ट कम होता है, सो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। सो ये होगा बेसिकली मेजर प्रोडक्ट बी एंड दैट विल बी सी, ठीक है, कोई भी बिठा लो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये भी पाइरोलाइटिक एलिमिनेशन है, बट ये देखो ये जो ग्रुप है ना, दैट इज अवर सल्फॉक्साइड, राइट, दिस इज बेसिकली सल्फॉक्साइड बेस एलिमिनेशन, राइट। तो यहाँ पे सल्फॉक्साइड बेस एलिमिनेशन में सेम केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बट यहाँ पे देखो इस जो बॉन्ड है ना, इसको सेम साइट में लाना है, बिकॉज इज अ सीन एलिमिनेशन, राइट। तो हम लोग इसको क्या करना है, जस्ट रोटेट करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे ना, तो देखो इसको हम लोग प्लेन में लेके आएंगे, एस ओ माइनस एंड देन यहाँ पे पीएच। तो इसको अगर हम ऐसे करके रोटेट करेंगे इस कार्बन को, तो फिनाइल देखो अबव द प्लेन आ जाएगा, और हाइड्रोजन ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन को अगर हम लोग रोटेट करके हाइड्रोजन को प्लेन में लेके आएंगे लाइक हेयर, तो मिथाइल आ जाएगा अबव द प्लेन और फिनाइल चला जाएगा पीछे। बहुत ही सिंपल, जस्ट दोनों कार्बन को रोटेट करना है, फ्री यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस सल्फॉक्साइड ग्रुप, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, तो ऐसे करके इजीली इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ऐसे करके एलिमिनेट हो जाती है पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, राइट, एंड इस हाइड्रोजन को हम लोग को सेम प्लेन में लाना है, बिकॉज इज अ सीन एलिमेंट, राइट, एक्सेसिबल होना है, हाईली, ओके, फुली एक्सेसिबल होना है। उसके बाद क्या प्रोडक्ट जेनरेट होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों फिनाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट होगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिनाइल एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये जो एलिमिनेशन होता है वो हीटिंग कंडीशन में होता है, मैंने बताया ये पाइरोलाइटिक रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैंने पहले ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो जितना भी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को सही से समझेंगे ना, तो हम लोग एग्जाम में इजिली इस टाइप का प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहले जो एग्जांपल है ना, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म वाइज। तो देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या है, यू हैव इथिलीन डाइऑल, इथिलीन ग्लाइकोल जो भी है, तो ये रिएजन का जो रोल होता है वो क्या होता है, कार्बोनिल जो होता है ना, नॉर्मल कार्बोनिल, जैसे ऐसे कोई भी कार्बोनिल, कार्बोनिल मीन्स कीटोन, जो कीटोन होता है उसका प्रोटेक्शन करता है, कैसे करता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे ऐसे करके पहले प्रोटोनेट होता है, ठीक है, ऐसे करके प्रोटोनेट होगा, उसके बाद क्या होता है ना, इथेन ग्लाइकोल यहाँ पे जाकर अटैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन रहता है वो क्या करता है, ऐसे करके डीप्रोटोनेट होता है, यहाँ पे अगेन प्रोटॉन जाता है, तो ऐसे करके जैसे ऐसे करके हम लोग कर सकते इसको, तो लेट से इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको O2 प्लस कर देते हैं, माइनस प्लस H प्लस करके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और ये प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा, तो ये अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे कैटायन ऐड होगा, तो यहाँ पे अगर कैटायन ऐड होगा, बिकॉज दिस इज द थ्री, ओके, तो ये कैटायन इजीली स्टेबिलाइज हो सकता है, ऐसे करके हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, तो मेरे लिए क्या होता है, ये लोन बेटे के पैटा करते हैं, तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है दैट इज हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो हमने स्टार्ट किया एसीटोन से, राइट, ये हमारा एसीटोन था और हम लोग को क्या मिले, यहाँ पे एसीटोन का प्रोटेक्शन मिल गया। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एसीटोन हम लोगों को मिला है ना, ये कहाँ पे वीक एसिड कंडीशन में, अगर हम लोग इथिलीन डाइकोल से ट्रीट करेंगे तो हम लोग ये प्रोटेक्शन प्रोडक्ट मिलता है, राइट। हम लोग इसको कैसे डीप्रोटेक्ट भी करना है, कैसे इस ग्रुप को भी हटाना है,
ऐसे करके हम लोग इसको अगर बैक करना है तो हम लोग जस्ट यहाँ पे एसिड से ट्रीट करेंगे एसिड सॉल्यूशन में। तो क्या होता है एसिड सॉल्यूशन में, क्या होता है इसका भी मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, यहाँ पे पोर्ट होते हैं तो यहाँ पे जाके ऐसे करके इसको ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद वाटर जाके अटैक करते हैं तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, दो तीन स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। ऑलराइट, तो हम लोग अगर इस स्टेप को अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिलेगा, जो कीटोन होता है। ठीक है, रिमेंबर जस्ट टेक ए नोट, जो कीटोन होता है उसके प्रोटेक्शन होता है, नॉट ए स्टार। तो बेसिकली यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन होगा फर्स्ट स्टेप में। क्लियर हो गया? ओ ओ, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे यू हैव अ, क्या कर दिया यहाँ पे, थोड़ी मुझे चाहिए प्रोटॉन। यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। इसको 6 को मैं ऐसे करके डिनोट कर दूँ, ओके, उसके बाद 7 कार्बन है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, LiNR2। ठीक है, तो ये बेसिकली बेस होता है। बेस क्या करेगा, इसका जो एसिडिक प्रोटोन है इसको जाके एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OLi। ठीक है, 6 डबल बॉन्ड, काइंड ऑफ एनोलेट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट होगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो ये जो रिएजेंट है ना, डाइसल्फाइड रिएजेंट, वो क्या करते हैं ना, ये जो एनोलेट है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव जब बैक करेगा ये ऐसे करके ना यहाँ पे अटैक करेगा सल्फर में, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैं जगह ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद है COMe, तो यहाँ पे आ जाएगा ASME और ये ASME निकल जाएगा, सो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, आफ्टर एसिडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, सो दिस विल बी योर जी, सॉरी यहाँ पे एसिडिफिकेशन है, सॉरी 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 एक मिस कर दिया, यहाँ पे अगर हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, राइट। सो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज नॉट द जी, 1 2 3 4 5 6 7 एस एम ई, सो दिस विल बी योर जी। क्लियर हो गया, सो दैट विल बी द फाइनल मैकेनिज्म। ओके, उसके बाद और एक स्टेप है, तो मैं इस पार्ट को कर देता हूँ। क्लियर हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो ये जी मिल गया, अभी देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NaIO4। अभी देखो मैंने यहाँ पे जो पहले डिस्कस किया था, तो 3-4 स्टेप था कैसे हम लोग को पायरेटिक सीन एलिमिनेशन करना है, बट हम लोग अगर इस स्टेप को सही से देखेंगे हम लोग को ये पता लगेगा कि कैसे उस टाइप को सब्सट्रेट को प्रिपेयर करना है। दैट मींस यहाँ पे अगर हम लोग NaIO4 से ट्रीट करेंगे तो ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पायरेटिक सीन एलिमिनेशन का एक सब्सट्रेट होता है। That means O minus Me and then you have a COOME. Now इसके अगर हम लोग सही से देखेंगे with respect to this group, this is your alpha, this is your beta, right? तो यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, जो प्लेन में है, ठीक है, जो प्लेन में है वहां से क्या करेगा, easily हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, बीटा हाइड्रोजन को, ठीक है, सो फाइनली ऐसे निकल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड में टोलुइन सॉल्वेंट में, तो बेसिकली यहाँ पे तो डबल बॉन्ड जेनरेट होगा ना, यहाँ पे हम लोग और एक चीज को सीखना है, ये जो डबल बॉन्ड जेनरेट होगा ना, ये डबल बॉन्ड ऑलवेज ई होगा, ई डबल बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल, राइट, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है देखो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ई है, सो दैट इज द मोर स्टेबल, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी ई। ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली NaIO4 क्या करे, इसको सल्फर को सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट करे, एंड दिस रिएजेंट इज योर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन रिएजेंट, उसके बाद पायरेटिक सीन एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, मैं कभी कभी ये बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद अंडर हीटिंग कंडीशन ये प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है। क्लियर हो गया, तो ये था इसका बेसिक मैकेनिज्म। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट स्टेप है हम लोग को तो गिलमैन रिएजेंट पता है, गिलमैन कुछ इस तरह से स्पेलिंग है, गिलमैन रिएजेंट, तो गिलमैन रिएजेंट क्या करते हैं, पीएच माइनस को क्या करते हैं, फोर्थ पोजीशन में अटैक करते हैं, 1-4 एडिशन होता है, ऐसे करके ऐसे होता है,
तो बेसिकली अगर पी एच बैक ऑफ द प्लेन अटैक हो रहा है सो देन दिस इज द एस एल आई प्लस। वो आप उसके बाद क्या देखो इलेक्ट्रोफाइल पी एच, मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। तो ये अटैक बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल सोर्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से फिनाइल अटैक करता है बिकॉज दिस फिनाइल इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड दिस पार्ट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज अपोजिट होता है, दैट मींस फिनाइल अगर अबव द प्लेन अटैक हो रहा है तो ये जो अटैक वो पीछे से होगा सेलेनियम पीएच, ठीक है, सेलेनियम का सेंटर में अटैक करेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या है H2O2 है, सो दिस इज योर आई। नाउ यहां पे अगर हम लोग H2O2 ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, किसका करेगा, सेलेन ऑक्साइड का, ठीक है। सो दैट विल गिव यू सेलेन ऑक्साइड O माइनस PH प्लस एंड दिस इज योर फिनाइल अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हाइड्रेट। नाउ हम लोग को पता है जो सीन एलिमिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सीन एलिमिनेशन मीन सेम साइड से, राइट, ओके, दैट मींस ये जो ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो ये हाइड्रोजन भी नीचे है ये भी नीचे है तो सेम साइड में है, तो ऐसे करके एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट। नाउ दिस इज योर sp2 साइड तो फिनाइल एक सेम प्लेन में आ जाएगा, राइट, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट जे। सो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, दो प्रॉब्लम हो गया, ओके। Alright, तो देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है यू हैव एलडीए, एलडीए इज अ बेस, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर का ये तो एसिडिक हो सकता है बट ये देखो ना बहुत ही हिंडर साइड, राइट, एलडी इज अ बल्की बेस जो प्रेफर करता है लेस हिंडर प्रोटोन को, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोन है ये रिलेटिवली लेस हिंडर है एंड ये जो हाइड्रोजन है ये मोर हिंडर है, राइट, ओके। नाउ यहाँ पे अगर लेगा ऐसे हो सकता है बट ये बहुत ही हिंडर है, तो बेसिकली एलडीए क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एलडीए का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज एलडीए लिथियम प्लस। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, इनोलेट डीएनए होगा, राइट, सल्फर फिनाइल OCH3, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद देखो क्या है, यू हैव एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड मींस ब्रोमीन डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल, तो ये एलाइल कार्बन है तो ये जो नेगेटिव है ऐसे जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन निकल जाएगी, बहुत सिंपल है। लेट्स से ये अटैक नीचे से हुआ, ठीक है, लेट्स से ये अटैक नीचे से हुआ, ओके, ओके। उसके बाद देखो क्या है, यू हैव H2O2। नाउ अगर हम लोग H2O2 डालेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे सल्फर से सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो मैं एक बार ही कर रहा हूँ, ठीक है, H2O2 अगर डालेंगे तो यहाँ पे H प्लस A- जा रहेगा, राइट। तो उसके बाद अगर हम लोग हीट करेंगे यहाँ पे ऑल द 0 डिग्री मेंशन है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो ये जो अबव द प्लेन हाइड्रोजन है ना उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि सेम साइड में है, राइट, ये जो बॉन्ड ये बॉन्ड सेम साइज से, तो ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट चेंज होगा सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। So that will be your final product. Clear हो गया? So that will be your K. तो ऐसे करके इस problem हम लोगों को solve करना है, ठीक है? Let's talk about next problem. Alright, उसके बाद देखो जो next problem है, जो first step है, यहाँ पे LDA था। ये दोनों problem भी बहुत interesting है। तो LDA क्या करेगा? Acidic proton को लेगा। तो this is your acidic proton, this is also acidic proton. तो first step में यहाँ पे LDA। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलडीए ऐड करेंगे तो एलडीए क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऐसे करके एनोलेट जनरेट होगा फर्स्ट स्टेप में O माइनस Li प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट स्टेप में पीएच एसी एसी पीएच, तो ऐसे करके यहाँ जाके यहाँ से अटैक करके ये ग्रुप निकल जाएगा, क्लियर हो गया। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से अगर ग्रुप निकल जाएगा
तो बेसिकली देखो यहाँ पे और एक चीज है, बिकॉज ये जो रिंग है ना, 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग, उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, सीस है इसका, देखो सीस है, दैट मीन्स इसका अगर हम लोग सही से इसको ड्रॉ करेंगे ना कुछ इस तरह से, ठीक है दोनों हाइड्रोजन, तो दिस इज योर केमिस्ट्री, कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये जो रेड पार्ट है ना दिस इज योर 5 मेंबर रिंग और ये दिस इज योर 6 मेंबर रिंग, राइट। ओके नाउ देखो यहाँ पे जब एनोलेट जॉइंट हो रहा है ना, यहाँ पे एनोलेट जॉइंट हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे राइट ना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, तो ये जब आएगा ना ऐसे करके, तो इसका ना जब इस कार्बन से जब सेलेनियम अटैक करेगा ना, तो ऑलवेज ना ये नीचे से आएगा, क्योंकि इस साइड थोड़ा हिंडर्ड होता है सेम साइड, राइट। नीचे देखो इतना सारा स्पेस है, तो वो रिलेटिवली फ्री स्पेस होता है, ठीक है, तो ये सेलेनियम नीचे से जाएगा, क्लियर हो गया। ये सेलेनियम नीचे से क्यों जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके उसके बाद एलडीए है, अभी एलडीए अगर फिर हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेगा, एलडीए जाके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ग्रुप, अगेन जब इनोलेट जेट करेगा देन ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो फिर सेलेनियम सेम प्लेन में आ जाएगा, उसके बाद देखो एमईआई है, तो एमईआई क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे करके इनोलेट जाएगा, ऐसे करके अटैक करेगा। अच्छा जब एमईआई जाएगा, एमईआई भी कहां से आएगा, नीचे से ही जाएगा, क्योंकि नीचे है, नीचे ज्यादा स्पेस था नीचे, राइट। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो नीचे से आएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके सो दैट विल बी योर एल। उसके बाद देखो क्या है, H2O2 है, H2O2, तो H2O2 देंगे तो क्या होगा, यहां से O माइनस जेड होगा, राइट। H2O2 देंगे तो O माइनस जेड, मैं यहां पे कर देता हूं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे देखो पाइरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन करना है। पाइरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस सल्फॉक्साइड ग्रुप, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा, राइट। नाउ मैंने क्या बताया था, सेम साइड से होना है। देखो ये जो इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है एंड इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एंटी ऑपोजिट साइड में है, तो ये प्रोटॉन को तो नहीं ले सकते हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी इज बिकॉज दिस इज सेम कार्बन में है, तो ये इजिली इस प्रोटॉन को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। इजिली इट कैन एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन एंड देन यू विल हैव दिस केमिस्ट्री। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एंड ये नेट गेट जैम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जस्ट रिएजेंट को वेरी किया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट स्टेप में एलडीए, एलडीए क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन कैसे करेगा, एनोलेट जॉइंट होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एनोलेट जॉइंट होगा, ओ माइनस एल आई प्लस। उसके बाद एमईआई, एमईआई कहाँ से अटैक करेगा, देखो सेम मॉलिक्यूल है ना, तो नीचे से जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एलडीए, फिर अगर एलडीए ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे एनोलेट जॉइंट होगा, सिमिलर लाइक दैट। उसके बाद देखो क्या ये ग्रुप है, पीएच एसी एसी पीएच, तो ये जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे ऐड करेंगे ये ग्रुप निकल जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे कहाँ से आएगा, ये नीचे से, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो नीचे से जाएगा, राइट। तो सेलेनियम पीएच, ठीक है। ओके उसके बाद देखो, इफ वी कैन ट्रीट विद H2O2, H2O2 से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे O माइनस पीएच प्लस, राइट। उसके बाद क्या होगा, देखो अभी ना, बिकॉज देखो ये जो O माइनस अभी इजिली ना इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे है, ये बॉन्ड भी नीचे है, ये भी बॉन्ड नीचे है,
सिमिलरली ये यहां से भी प्रोटॉन ले सकता है। नाउ अगर इस प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यहां से एक्सेप्ट करेगा तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था एम जो था वही प्रोडक्ट होगा राइट। बट ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, वाई? फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड सिमिलरली सेकेंडली ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है। सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन ये प्रोडक्ट इस केस में मेजर होगा, ऑल्दो देयर आर टू पॉसिबिलिटी बट ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है राइट। एंड ये एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। पहले जो एग्जाम्पल था एम, एम का जो प्रोडक्ट देखो एम का क्या था, ये था ना जो एक्सोसाइक्लिक था, एक्सोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक इज रिलेटिवली स्टेबल। सो द मेन पॉइंट दिस इज द डाई सब्स्टिट, दिस इज ट्राई सब्स्टिट, सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड सिमिलर दिस डबल बॉन्ड इज अंडर कंजुगेशन विद दिस कार्बोनिल ग्रुप। सो फाइनली दिस प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट पी। क्लियर हो गए? तो ये दोनों एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया ये जैम फॉर गेट एज वेल एज नेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हम लोग बहुत जल्दी ये जो कैरेक्टर सीरीज भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।